नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन यानी कि ट्रैवर्सिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे। लिंक लिस्ट को हम कैसे ट्रैवर्स करते हैं आज हम जानेंगे अपने इसी वीडियो में। हम इसका एल्गोरिथम समझेंगे, हम उसे फिर कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर कोड में इम्प्लीमेंट करने के बाद हम डायग्रामेटिकली समझेंगे कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है, जल्दी से अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पढ़ेंगे ट्रैवर्सिंग और लिंक लिस्ट। जैसे कि मैंने अपने आपको पिछली वीडियो में बताया था ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहला ऑपरेशन क्या था हमारा? ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है? ट्रैवर्सिंग और लिंक लिस्ट मीन्स एक्सेसिंग द नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। हमें नोड को क्या करना है? एक्सेस करना है इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑन देम। प्रोसेसिंग को और क्या बोल सकते हैं? ऑपरेशंस ऑन देम। तो मैं क्या करूँगा, लिंक लिस्ट के सारे नोड को एक एक बार मैक्सिमम एक टाइम एक्सेस करूँगा और उस पर कुछ प्रोसेसिंग लगाऊँगा। तो दोस्तों, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। टिप्स या पहले सबसे पहले हम एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। ये हमारा एक नोड है, ये हमारा दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है, ये पाँचवा नोड है, ये छठा नोड है। छह नोड बना दिए हमने लिंक लिस्ट में। इनमें दो फील्ड है सब में। हाँ, इसका एड्रेस हमारा 1000, इसका एड्रेस 2000, इसका एड्रेस 3000, इसका एड्रेस 4000, इसका एड्रेस 5000, इसका 6000। हम एज्यूम कर लेते हैं इनका एड्रेस ये है। यहाँ पे सपोज करो मैंने इसकी डेटा फील्ड में क्या स्टोर कर दिया, मैंने 10 स्टोर कर दिया। मैं दोबारा से वो आपको बना के दिखा देता हूँ इसका कोड। स्ट्रक्ट नोड, एक नोड बनाया मैंने जिसकी दो फील्ड होती है, इन डेटा और जो दूसरी फील्ड होती है स्ट्रक्ट नोड टाइप की नेक्स्ट, जो क्या स्टोर करेगा? एड्रेस। नोड नेक्स्ट ये बन गया। इसमें ये है डेटा फील्ड और ये होती है मेरी नेक्स्ट फील्ड। इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं नोड। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 स्टोर कर दिया, यहाँ पे 30 कर दिया, यहाँ पे 40 कर दिया। आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये जस्ट एन एग्जांपल है 60। अब इसे कनेक्ट कैसे करूँगा? ये 2000 अगर मैं यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे इसकी नेक्स्ट फील्ड में। 3000 यहाँ पे स्टोर कर दिया तो ये इस नोड से कनेक्टेड हो जाएगा। अगर मैंने 4000 यहाँ पे स्टोर कर दिया तो ये इस नोड से कनेक्टेड हो जाएगा। 5000 यहाँ पे स्टोर कर दो तो ये इस नोड से हो जाएगा कनेक्टेड। अब यहाँ पे 6000 है, मैंने 6000 यहाँ पे स्टोर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इससे कनेक्टेड हो जाएगा। ये लास्ट नोड है तो लास्ट नोड पे मैंने क्या स्टोर करता हूँ? -1, जो कि डिनोट करता है एंड ऑफ लिंक लिस्ट को, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नल। अब मैंने क्या बताया था आपको, हमें एक पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्ट नोड टाइप का मेंटेन करना है मेमोरी में, जिसे हम बोलेंगे स्टार्ट। स्टार्ट क्या करेगा? पहले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। पहले नोड का एड्रेस क्या है? 1000। तो स्टार्ट क्या स्टोर करेगा? 1000 स्टोर करेगा। अब दोस्तों, हम इसमें एक और पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं जिसे मैं हम बोलते हैं PTR। ये भी एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होता है। अब इस पॉइंटर वेरिएबल का ऑपरेशन क्या होगा? ये भी मेरे फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। सबसे पहले फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और ये जो वेरिएबल है ये हम मेमोरी में इसलिए लेते हैं ताकि जब मैं ट्रैवर्सिंग करूँ ये मुझे बता सके हम करेंटली कौन से नोड पे। अगर मैं करेंटली 3000 पे हूँ तो PTR के थ्रू मैं पता लगा सकता हूँ कि हम करेंटली कौन से नोड पे हैं। और दोस्तों, एक और टिप है इसमें कि जो एंड ऑफ लिंक लिस्ट है वो -1 से डिनोट होता है। तो लिंक लिस्ट ऑलवेज कंटेन अ पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिंक लिस्ट एक पॉइंटर वेरिएबल स्टार्ट करेगी। वो क्या करेगा? विच स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। वो एड्रेस स्टोर करेगा फर्स्ट नोड लिस्ट के। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम स्टार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें पहले नोड का एड्रेस मिल जाए तो हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, पहले नोड से लास्ट नोड तक जा सकते हैं हम, क्योंकि लिंक लिस्ट में सारे नोड इंटरकनेक्टेड होते हैं दोस्तों। अब अगला पॉइंट है हमारा,
एंड ऑफ लिंक्ड लिस्ट इज मार्क्ड बाय स्टोरिंग नल और माइनस वन, जो कि हमारा लास्ट नोड होगा उसकी नेक्स्ट फील्ड में हम क्या स्टोर कर देंगे, नल और माइनस वन। वो हमारा शो करेगा कि हमारी लिंक लिस्ट एंड हो गई है और आगे हमारे कोई भी नोड नहीं है। अब वी ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ अनदर पॉइंटर वेरिएबल PTR। PTR एक पॉइंटर वेरिएबल है, आप इसका नेम कुछ और भी रख सकते हैं जो भी आपको लगेगा सही, विच पॉइंट्स टू द नोड दैट इज़ करेंटली बींग एक्सेस। मतलब अगर मेरी लिंक लिस्ट में 10 नोड है और मैं 5th नोड पे हूँ प्रेजेंटली, तो PTR क्या करेगा, उस नोड को पॉइंट करेगा। अब कैसे पॉइंट करेगा देखते हैं। अब हम जानते हैं ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट पे मैंने एड्रेस स्टोर कर दिया है फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है हमारे 1000 यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मैं ट्रैवर्सिंग करूँगा एक वाइल लूप की मदद से। पहले सिंपल समझते हैं, 1000 है, 1000 के बाद यहाँ पे क्या 2000 पहुँच गए, 2000 में किसका एड्रेस है 3000 वाले का, 3000 पे पहुँच गए, फिर 3000 में 4000 का एड्रेस है यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पे हम यहाँ तक आसानी से पहुंच गए ट्रैवर्सिंग के थ्रू। अब हम इसका समझते हैं एल्गोरिथम क्या है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमें, इनिशियलाइज सेट PTR, जो PTR हमने वेरिएबल डिस्कस किया था उसे हमें स्टार्ट के इक्वल सेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम है PTR। एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। ये किसे पॉइंट कर रहा है करेंटली, ये पॉइंट कर रहा है स्टार्ट को, हो गया ये। अब फिर हम मुझे क्या करना है, ये मेरा स्टेप वन है। अब स्टेप टू क्या होगा, रिपीट स्टेप 3 and 4 वाइल PTR टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। मतलब जब तक PTR टू नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं है, PTR टू नेक्स्ट मतलब जो कि ये नोड है ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर मान लो अगर यहाँ पे माइनस वन स्टोर करता, PTR जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसकी नेक्स्ट फील्ड में, मतलब ये वाली फील्ड में, ये नोड एक, ये PTR मान लो करंट इसे पॉइंट कर रहा है टेम्प्ररी, इसकी नेक्स्ट फील्ड में जब तक माइनस वन या फिर नल नहीं आएगा ये ट्रैवर्सिंग चलती रहेगी, मतलब हम आगे मूव ऑन करते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अप्लाई प्रोसेस टू PTR टू डेटा। हम PTR टू डेटा में जो भी प्रोसेस लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जैसे डिस्प्ले करना, नंबर ऑफ नोड्स काउंट करना, जो भी हमें करना है। फिर हमें क्या करना है, सेट, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, सेट PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट। हम PTR को PTR टू नेक्स्ट में मूव ऑन कर देंगे, मतलब आगे बढ़ा देंगे पॉइंटर वेरिएबल में। अभी कोड की तरफ हेल्प से समझते हैं। अब ये क्या हो जाएगा मेरा एंड ऑफ लूप, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कोड एंड हो जाएगा, पांचवे स्टेप पे हो जाएगा एग्जिट। तो ये बहुत आसानी सा एल्गोरिथम है। अब हम समझते हैं इसके कोड को, तो कोड कैसे लिखूंगा। सबसे पहले क्या करना है मुझे, PTR को स्टार्ट के इक्वल सेट करना है। तो मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, PTR इक्वल टू स्टार्ट, मैंने PTR को स्टार्ट के इक्वल सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, वाइल लूप में क्या करना है, एक कंडीशन करनी है, मतलब वाइल PTR टू नेक्स्ट अगर हमारा नॉट इक्वल टू नल होगा तो हम क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ा देंगे एक कदम। तो PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट, हम उसे नेक्स्ट व्हील पे मूव कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये ट्रैवर्सिंग होगी हमारी कंप्लीट। अब हमें कोई भी ऑपरेशन लगाना है तो हम इस पर लगा सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, करंटली PTR किसे पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट को। अब मैंने क्या किया, वाइल लूप में कंडीशन लगाई PTR टू नेक्स्ट, स्टार्ट क्या है 1000 है, मतलब ये दोनों इसे पॉइंट करते हैं। PTR इस नोड को पॉइंट कर रहा है, PTR टू नेक्स्ट में क्या है 2000 क्या है, सबसे पहले PTR टू नेक्स्ट में है 2000, PTR टू नेक्स्ट में है मेरा 2000 क्या है, नॉट इक्वल टू नल है, नॉट इक्वल टू नल है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और आगे बढ़ेगी। फिर PTR इसे, फिर मैंने क्या लगाया, PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट। अब PTR टू नेक्स्ट में क्या है, मतलब इस नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है 2000 का,
PTR टू नेक्स्ट में था हमारा 1000। अब यहाँ पे देखो, अब PTR टू नेक्स्ट में, मतलब यहाँ से अगले नोड में किसका एड्रेस है 2000 का, तो 2000 पे आएंगे हम, इस नोड पे आएंगे तो 2000 क्या है, नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट जाएंगे, इस नोड पे जाएंगे, इसके नेक्स्ट वाले नोड पे, तो क्या आएगा 3000। फिर 3000 के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले नोड पे जाएंगे, फिर 4000, फिर 5000 आएगा अगले नोड पे जब जाएंगे, फिर उसके बाद जब लास्ट नोड पे जाएंगे 6000 वाले पे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी इसके बाद, सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नल स्टोर है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारा, PTR टू नेक्स्ट इक्वल नॉट इक्वल टू नल, मतलब PTR टू नेक्स्ट जब इक्वल हो जाएगा नल के, तो ये वाइल लूप हो जाएगा टर्मिनेट और हम अपने लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर देंगे। हम एक और बार इस एल्गोरिथम को समझते हैं। तो मेरा क्या था, एक PTR वेरिएबल था स्ट्रक नोड टाइप का। अब PTR वेरिएबल क्या करेगा, सबसे पहले स्टार्ट को पॉइंट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, PTR इक्वल टू स्टार्ट, PTR स्टार्ट के इक्वल होगा, मतलब PTR में फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब क्या है, हमें ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स टू कैसे करते हैं हम, PTR टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक PTR की नेक्स्ट फील्ड में नल नहीं आ जाता, वाइल लूप में कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, जब तक PTR टू नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता, तो हम इसे मूव करते रहेंगे। मूव कैसे करेंगे, PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट, ये वाइल लूप लगाया। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 1000 है हमारा। अब 1000 के बाद क्या है, PTR टू नेक्स्ट में क्या है, 2000 नॉट इक्वल टू नल, फिर ये इस नोड के बाद इस नोड का एड्रेस आएगा 3000, फिर 3000 के नेक्स्ट में क्या है, 4000 स्टोर्ड। अब 4000 के नेक्स्ट में क्या है, ये जो नोड है नेक्स्ट होता है हमारा, 4000 के नेक्स्ट में है 5000, अब 5000 के नेक्स्ट में है 6000 के नेक्स्ट में है नल, लास्ट नोड में नल है, कंडीशन सेटिस्फाई, और ये हम अपने लिंक लिस्ट के लास्ट नोड पे पहुंच गए और हमने पूरी लिंक लिस्ट कर दी है ट्रैवर्स। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया है। अगर आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तो आप पीछे दोबारा जाके एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थोड़ा अगर आपको पॉइंटर में तकलीफ है, समझने में दिक्कत हो सकती है, पर जो भी है, मैं कोशिश करूँगा एक पॉइंटर से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लाने की। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और फ्रेश कमाल वीडियो में। अगर कोई स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड।